देश की सत्ता में लगातार 10 सालों तक कांग्रेस नीत यूपीए की सरकार थी और पार्टी के दिग्गज नेता मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, लेकिन इसके बावजूद इन 10 सालों में जो काम मनमोहन सरकार नहीं कर पाई वो काम सत्ता में बैठी मोदी सरकार ने कर दिखाया और मोदी सरकार के इस काम के लिए कांग्रेस के दिग्गज नेता शशि थरूर को भी धन्यवाद देना पड़ा। मोदी सरकार में पहले कार्यकाल से ही राज्य सड़क परिवहन मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे बीजेपी के तेज तर्रार सांसद नितिन गडकरी किस कदर ताल ठोक कर काम करते हैं और समय पर किसी भी प्रोजेक्ट को पूरा करवाते हैं, ये आप उनके इन बयानों से ही समझ लीजिए। जब मैं चुनाव प्रचार में योगी जी और मैं उत्तर प्रदेश में घूम रहे थे, मैं 3 लाख करोड़ के रोड उत्तर प्रदेश में कर चुका हूँ, तो मैंने उनको कहा, योगी जी आपको जो बोलना है जितना मांगना मांग लो, केवल मेरी एक ही कंडीशन है कि जनता ने आपको डबल इंजन लगा देना चाहिए उत्तर प्रदेश को, जो जो योगी जी बोलेंगे उतना काम मैं करके दूंगा। तो मैं भी मनोहर लाल जी को बता देता हूं कि आप उनके साथ खड़े रहो, जो मनोहर लाल जी और दुष्यंत जी जितने बातें कहेंगे उतने काम मैं पूरे ठोक में कर दूंगा, ये वचन देता हूं। और मैं उन नेताओं से नहीं हूं, जरा मीडिया वाले मेरी बात रिकॉर्ड कर लेना, कि 40 साल में मैंने घोषणा की और काम नहीं हुआ ऐसा पूछने वाला अभी तक कोई पत्रकार मुझे मिला नहीं है। जो बोलेंगे वो करेंगे और जो करेंगे वही बोलेंगे, यही हमारी नीति है। कभी प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत देश में सड़कों का जाल फैलाकर पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी का सपना पूरा करने वाले नितिन गडकरी के काम करने की वही रफ्तार आज भी बरकरार है। यही वजह है कि उनके काम की तारीफ केरल के थिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर को भी करनी पड़ गई। दरअसल मोदी सरकार का परिवहन मंत्रालय थिरुवनंतपुरम में NH-66 पर मुक्कोला से करोड़ के बीच करोड़ों की लागत से एक बाईपास बनवा रहा है, जिसका करीब 97% काम हो चुका है और माना जा रहा है कि इसी साल मई तक इसका उद्घाटन हो सकता है। यह खबर जैसे ही थिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर को मिली, वे इतने खुश हो गए कि उन्होंने केंद्रीय परिवहन मंत्री को इस प्रोजेक्ट के लिए सार्वजनिक तौर पर ट्वीट कर धन्यवाद दिया। शशि थरूर ने अपने पहले ट्वीट में लिखा, मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोगों, तमिलनाडु के यात्रियों और समग्र विकास के लिए खुशखबरी, मुझे सांसद के रूप में अपने पहले कार्यकाल में इस परियोजना पुनर्जीवित करने और उचित समय पर मुआवजा सुनिश्चित करने के लिए 42 साल के राजनीतिक और नौकरशाही गतिरोध को दूर करने में अपनी भूमिका पर गर्व है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने दूसरे ट्वीट में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को धन्यवाद देते हुए लिखा, जब मैंने पहली बार प्रचार किया तो मुझे पता चला कि यह परियोजना 4 दशकों से लटकी हुई थी और इसे पूरा करने के लिए इसे एक निजी मिशन बना दिया। मैंने कई स्थानों पर सामुदायिक चिंताओं और आपत्तियों को हल करने के लिए 100 से अधिक बार हस्तक्षेप किया। नितिन गडकरी, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। कांग्रेस सांसद शशि थरूर का ये ट्वीट बता रहा है कि ये प्रोजेक्ट पिछले 40 सालों से अटका पड़ा था और इन 40 सालों में कई बार कांग्रेस की सरकार बनी, यहां तक कि लगातार 10 साल तक मनमोहन सिंह भी प्रधानमंत्री रहे। उनके सत्ता में रहते शशि थरूर साल 2009 में पहली बार थिरुवनंतपुरम से सांसद भी बने, लेकिन इसके बावजूद थरूर अपनी सरकार में मुक्कोला करोड़ बाईपास प्रोजेक्ट पूरा नहीं करा सके। मगर आज जब देश में पीएम मोदी की सरकार है और नितिन गडकरी केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं, तो उनके कार्यकाल में आखिर ये प्रोजेक्ट पूरा ही हो गया और मई में उद्घाटन भी होने वाला है। यही वजह है कि खुद कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इस प्रोजेक्ट के लिए नितिन गडकरी को दिल से धन्यवाद दिया है। शशि थरूर का गडकरी को धन्यवाद देना बता रहा है कि कांग्रेस राज में किस तरह से योजनाएं लटकती रहती थी। इतना ही नहीं, कांग्रेस सरकार में कैसे काम होता था इसके बारे में खुद पीएम मोदी ने राजस्थान की एक रैली में बताया था, आप सुन लीजिए। जब मैं प्रधानमंत्री बना बजट देख रहा था और मैं रेलवे बजट देख रहा, तो मेरा जरा स्वभाव है, मैंने पूछा कि भाई ये रेलवे बजट में हम इतनी इतनी घोषणाएं करते हैं,
जरा बताओ तो पीछे क्या हुआ है। आप चौंक जाएंगे भाइयों बहनों, आपको सदमा पहुंचेगा। भारत की संसद लोकतंत्र का मंदिर है, वहां देश को गुमराह करने का हक नहीं होता है। लेकिन आपको जानकर के हैरानी होगी, कई सरकारें आई और गई, रेलवे बजट में 1500 से ज्यादा ऐसी ऐसी योजनाओं की घोषणाएं की गई जो आज उसका नामो निशान नहीं है, वैसे ही कागज पर लटकी पड़ी है। हम आए, हमने फैसला किया कि कुछ पल की तालियां का पाने के लिए संसद में जो सदस्य बैठे हैं वो अपने इलाके में कोई रेल का प्रोजेक्ट आ जाए तो ताली बजा दें और रेल मंत्री खुश हो जाए, बाद में कोई पूछने वाला नहीं। यही सिलसिला चला। हमने आकर के कह दिया कि रेल बजट में ये वाहवाही लूटना और झूठी तालियां बजवाने का कार्यक्रम बंद। जितना होना तय है इतना ही बताइए, एक दिन आलोचना होगी, लेकिन देश को धीरे धीरे सही बोलने की, सही करने की ताकत आएगी और ये काम हम करना चाहते हैं। किस तरह से संसद में योजनाओं का तो ऐलान किया ही जाता था, लेकिन सड़क पर वो योजनाएं कितनी उतरती थी, ये बात आप पीएम मोदी के बयान से समझ ही गए होंगे। लेकिन आज जिस तरह से मोदी सरकार में मंत्री नितिन गडकरी ने 40 साल से अटके मुक्कोला करोड़ बाईपास का काम पूरा करवाया, उसने बता दिया कि अगर सरकार में काम करने की इच्छा शक्ति होती है तो कोई भी प्रोजेक्ट समय पर पूरा किया जा सकता है। आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट को 1974 में लॉन्च किया गया था, जब देश में इंदिरा गांधी की सरकार हुआ करती थी, और आज 48 साल बाद मोदी राज में ये प्रोजेक्ट पूरा होने जा रहा है।